बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज हम जो नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं इनवर्टिब्रेट जूलॉजी चैप्टर 7, वो है आपके पास एनिमल सिस्टमैटिक्स। एंड वी विल आल्सो ट्राई टू कवर एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप एंड देयर ट्री डायग्राम्स। एनिमल सिस्टमैटिक्स, एज यू नो कि इसका बेसिक गोल, बेसिक पर्पज होता है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स बेस्ड ऑन देयर एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स। कि एवोल्यूशनरी बेस पे, एवोल्यूशन की बेस पे क्लासिफिकेशन करने को हम सिस्टमैटिक्स का नाम दे रहे होते हैं। और इसमें बेसिक थ्री टर्मिनोलॉजीज हम आज पहले डिस्कस करने जा रहे हैं, मोनोफाइलेटिक ग्रुप, पैराफाइलेटिक ग्रुप एंड पॉलीफाइलेटिक ग्रुप। मोनोफाइलेटिक ग्रुप का मतलब क्या होता है कि जिसमें सिर्फ सिंगल इंसेस्ट्रल स्पीशीज मौजूद हो किसी भी ग्रुप की, किसी भी जो है वो आप कह लें कि डिसेंडेंट्स की। These groups should include a single ancestral species and all of its descendants. Such a group is called monophyletic group. अब इसमें एक पॉइंट ये होता है कि all organisms they are basically linked to one ancestor. सारे के सारे organisms हमारे पास ultimately एक ancestor पे end हो रहे होते हैं। तो overall हम कह सकते हैं कि life forms monophyletic तो हैं, लेकिन जब हम बात कर रहे होते हैं mammals की, yes all mammals are monophyletic. लेकिन जब हम बात कर रहे होते हैं आप कह लें कि पूरे के पूरे किसी फाइलम की, फाइलम कॉर्डेटा, उनका भी एंसेस्टर कॉमन होगा। बट व्हेन वी डिस्कस टू डिफरेंट ग्रुप्स, लाइक हम बात करते हैं कि इनवर्टिब्रेट का कोई ग्रुप ले लेते हैं एनालिडा, और दूसरी तरफ बात कर लेते हैं वर्टिब्रेट के किसी ग्रुप की, रेप्टाइल्स की, एम्फीबियंस की, सिसिलियंस की, तो फिर उनके इंसेस्ट्रल जब इंसेस्टर वेरी कर रहे होंगे तो उसे हम बोलेंगे ये इस ग्रुप के अंदर, ये जो आपने पॉइंट मेंशन किया, जो ग्रुप्स मेंशन किए वो पॉलीफाइलेटिक है, उनके एंसेस्टर्स डिफरेंट हैं। तो मोनोफाइलेटिक के हवाले से पहले हम बात कर रहे हैं कि मोनोफाइलेटिक का मतलब है हैविंग कॉमन एंसेस्टर। इन सर्चिंग आउट मोनोफाइलेटिक ग्रुप्स टैक्सोनॉमिस्ट दे लुक फॉर एनिमल एट्रीब्यूट्स कॉल्ड कैरेक्टर्स ऑफ रिलेटेडनेस। ये जो रिलेटेड कैरेक्टर्स हैं वो कौन कौन से हैं किसी मोनोफाइलेटिक ग्रुप में, और कोई भी कैरेक्टर क्या चीज होती है, वर्चुअली एनीथिंग दैट हैज अ जेनेटिक बेसिस and can be measured from an anatomical feature to a sequence of nitrogenous bases in DNA or RNA. ये different इसके aspects हो सकते हैं। आप कोई genetic basis पे कोई character discuss कर सकते हैं, anatomical feature कोई हो सकता है, कोई morphological feature हो सकता है, for example presence of feathers in birds, wings का present होना, ये उनके एक morphological feature है। ये number of sequence of amino acid in a protein, या नंबर ऑफ सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स इन डीएनए और आरएनए, तो ये भी एक फीचर के तौर पे यूज किया जा सकता है किसी ग्रुप के इंसेस्टर्स के हवाले से डिस्कशन के लिए। पॉलीफैलेटिक ग्रुप्स क्या होते हैं, दे कैन बी ट्रेस टू सेपरेट इंसेस्टर्स। फॉर एग्जांपल अगर आप देखें नंबर 1 to 8, तो ओवरऑल इनमें इंसेस्ट्रल वेरिएशन है, इंसेस्टर्स डिफरेंट है। 1 to 6 आपको कॉमन इंसेस्टर मिल रहा है, 7 to 8 यहाँ पे इंसेस्टर वेरी कर रहा है। तो 1 to 8 ये सारे का सारा ग्रुप जो है वो पॉलीफैलेटिक है, ये ग्रुप कहलाएगा हमारे पास पॉलीफैलेटिक। जी तो हम डिस्कशन कर रहे थे कि पॉलीफैलेटिक ग्रुप्स देयर मेंबर्स ट्रेस बैक टू द सेपरेट इंसेस्टर्स, जबकि ये ग्रुप 1 to 8 को अगर आप देखें बुक में, ये आपकी बुक से डायग्राम ली गई है, इसको हाईलाइट किया गया है पॉलीफैलेटिक ग्रुप। 1 to 6 कॉमन इंसेस्टर मिल रहा है, 7 to 8 डिफरेंट, तो 1 to 8 को मिला के जब हम बात कर रहे होंगे ये फिर पॉलीफैलेटिक ग्रुप बन जाएगा इन सभी को मिलाकर। जबकि पैराफैलेटिक ग्रुप का मतलब क्या होता है, पैराफैलेटिक ग्रुप इंक्लूड्स सम बट नॉट ऑल मेंबर्स ऑफ अ लाइनेज। पैराफैलेटिक ग्रुप में कुछ मेंबर्स इंक्लूड हो सकते हैं, उस लाइनेज के सारे मेंबर्स नहीं, लाइक 4, 5 and 6। ये 5 and 6 तो कॉमन लाइनेज बना रहे हैं इधर, लेकिन 4 जो है, 4 ये दूसरी लाइनेज के ग्रुप है, इसमें आप यूं कह लें कि 1, 2 जो ये वाली लाइनेज आ रही है इसमें सारे ग्रुप्स इंक्लूडेड नहीं है। या इसमें आप अभी देख रहे हैं कि अगर मोनोफाइलेटिक ग्रुप की हमने एग्जांपल इस एरिया में साइड करनी है, तो 0.1 to 6 तक जो डिसेंडेंट स्पीशीज मेंशनड है इन टिप्स पे, ये मोनोफाइलेटिक ग्रुप है। लेकिन अगर आप 4 to 6 ग्रुप की बात करते हैं कि 4 to 6 में कौन कौन सा ग्रुप इंक्लूडेड है, तो जो 4 to 6 ग्रुप है ये हमारे पास कहलाएगा पैराफैलेटिक। पैराफैलेटिक इसलिए कि 4 to 6 में हमारे पास इस मोनोफैलेटिक ग्रुप के, ये वाला जो ग्रुप है सारा मोनोफैलेटिक, इसके सारे मेंबर्स इंक्लूडेड नहीं है,
लेकिन कुछ मेंबर्स की जब हम बात कर रहे होंगे तो वो होगा पैराफाइलेटिक ग्रुप। सो बेसिक थ्री आपके पास ये एनिमल सिस्टमैटिक्स में ट्री डायग्राम्स के अंदर जब हम यूज कर रहे होते हैं टर्म्स तो होते हैं मोनोफाइलेटिक, पैराफाइलेटिक और पॉलीफाइलेटिक। फिर एनिमल्स को क्लासिफाई करने के लिए सिस्टमैटिक्स जो होते हैं, सिस्टमैटिक्स या क्लासिफिकेशन करने वाले साइंटिस्ट, दे यूज थ्री डिफरेंट अप्रोचेस। एवोल्यूशनरी सिस्टमैटिक्स है, एक है न्यूमेरिकल बेसिस पे, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स की बेस पे, और एक है फाइलोजेनेटिक सिस्टमैटिक्स। इन तीनों अप्रोचेस को हम देखेंगे कि कैसे फिर ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करने के लिए या फर्दर उनकी ट्री डायग्राम्स बनाने के लिए इन तीनों अप्रोचेस को यूज किया जाता है या इन तीनों अप्रोचेस के थ्रू हेल्प ली जाती है। सबसे पहले एवोल्यूशनरी सिस्टमैटिक्स में आप देखिए, एवोल्यूशनरी सिस्टमैटिक्स इज अ बेसिक assumption of evolutionary systematics is that organisms closely related to an ancestor will resemble that ancestor more closely than those organisms which are distantly related. इस बात को हम further clarify कर सकते हैं, further देख सकते हैं इस तरह से कि organisms में आपने दो basic characters पढ़े हुए हैं, homologies और analogies। ये oldest approach है, याद रखिएगा, evolution की base पे classification करना, और इसीलिए इस अप्रोच को ट्रेडिशनल अप्रोच भी कहा जाता है। एन इंपॉर्टेंट एमसीक्यू और शॉर्ट क्वेश्चंस के हवाले से एवोल्यूशनरी सिस्टमैटिक्स की अलग से डेफिनेशंस या इसकी जो बेसिस हैं वो पूछी जा सकती हैं। अगर इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा तो ये तीनों अप्रोचेस को आपने डिटेल से डिस्कस करना होगा। टू बेसिक सिमिलैरिटीज इसमें कौन सी होती है, एक है होमोलॉगीज और दूसरी एनालॉगीज। आप लोग पहले भी क्लासेस में पढ़ चुके हैं, प्रीवियस क्लासेस में, कि होमोलॉगस स्ट्रक्चर्स का मतलब क्या होता है। होमोलोगस फीचर्स ऐसे फीचर्स होते हैं जो स्ट्रक्चरली या बेसिक ओरिजिन जिनका कॉमन होता है और उनका ग्रुप भी कॉमन होगा, जैसे अरेंजमेंट ऑफ बोन्स इन द फोर लिम्स ऑफ ऑल मैमल्स। जो मैमल्स हैं सच एज व्हेल, बैट, हॉर्स या ह्यूमन या कैट, यहाँ पे मेंशन है, जैसे इन सब में बेसिक बोन्स की अरेंजमेंट सेम है बट फंक्शनली दे आर डिफरेंट। फंक्शनली डिफरेंट क्यों हुए, क्योंकि हैबिटेट वेरी कर गया। बैट फ्लाइट के लिए, व्हेल स्विमिंग के लिए, ह्यूमन ग्रैस्पिंग के लिए और कैट रनिंग के लिए अपने फोर लिम्स को यूज कर रही। दिस डिफरेंस इज ड्यू टू डिफरेंस इन देयर हैबिटेट एंड डिफरेंस इन एवोल्यूशनरी प्रेशर ऑन देम। ऐसे स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं होमोलोगस स्ट्रक्चर। एनालोगस आपने पढ़ा हुआ बिल्कुल इनवर्स, उसमें बेसिक स्ट्रक्चर तो वेरी कर रहा होता है बट फंक्शन सेम हो जाता है क्योंकि एवोल्यूशनरी प्रेशर या हैबिटेट सेम होता है। फॉर एग्जाम्पल, इन केस ऑफ फिन्स इन शार्क, पेंगुइन के जो बर्ड्स के विंग्स हैं, और इसके अलावा डॉल्फिन एक मैमल है, शार्क एक फिश है और पेंगुइन एक बर्ड है। तीनों के ग्रुप्स डिफरेंट, बेसिक स्ट्रक्चर डिफरेंट। इंसेक्ट के विंग्स की और बर्ड के विंग्स की एग्जांपल्स भी आपने पढ़ी हुई है बैट के विंग्स के साथ कंपैरिजन में। ये स्विमिंग के हवाले से कि तीनों में बेसिक फंक्शन स्विमिंग है बट उनका जो ओरिजिनल स्ट्रक्चर है या उनके जो ग्रुप्स हैं वो वेरी करते हैं, इसे कहते हैं एनालॉगस स्ट्रक्चर्स। तो एवोल्यूशन में इन करेक्टर्स को भी बेस बनाया जाता है कि एनालॉगस स्ट्रक्चर्स कौन कौन से हैं और होमोलॉगस स्ट्रक्चर्स कौन कौन से हैं। लेकिन याद रखिएगा, होमोलॉगस का मतलब होता है दे आर बिलोंगिंग टू द कॉमन इंसेस्टर, इनके इंसेस्ट्रल स्पीशी कॉमन है, और एनालॉगस का मतलब होता है दे आर हैविंग डिफरेंट इंसेस्ट्रल स्पीशीज, इनके इंसेस्टर वेरी करते हैं, डिफरेंट है। फिर न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी पे जब बात की जाती है तो न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी में होमोलॉगीज एनालॉगीज की बजाय बेस बनाया जाता है मैथमेटिकल मॉडल्स या कंप्यूटर एडेड टेक्निक्स को, और ये ज्यादा इस पे फोकस नहीं करते। अगरचे ये मानते हैं कि होमोलॉगीज और एनालॉगीज एग्जिस्ट करती हैं और होमोलॉगीज जो है वो कॉमन एंसेस्टर को भी शो करेंगी, लेकिन इनमें ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होता है कि अगर कोई कैरेक्टर ए है, ये ग्रुप वन में कितना है, बी जो है वो कौन कौन से ग्रुप में, सी कौन कौन से ग्रुप में, तो जो करेक्टर ज्यादा मैच कर रहे होते हैं उनको सेम ग्रुप में रख दिया जाता है और जो करेक्टर वेरी कर रहे होंगे जिन ऑर्गेनिजम्स के, उनको डिफरेंट ग्रुप्स में रख दिया जाता है। ये लीस्ट जो है वो आप कह लें फेमस या सबसे कम यूज होने वाली अप्रोच है सिस्टमैटिक्स में, क्लासिफिकेशन में, लेकिन ये भी बात सही है कि जो न्यूमेरिकल टेक्सोनोमी है इसके बनाए हुए मैथमेटिकल मॉडल्स या इसके बनाए हुए कंप्यूटर प्रोग्राम सॉफ्टवेयर या इस ब्रांच से रिलेटेड जो टेक्नोलॉजी डेवलप हुई है मैथमेटिकल वे में, स्टैटिस्टिकल वे में, उसको बाकी जो साइंटिस्ट हैं, बाकी टेक्सोनोमिस्ट उसका इस्तेमाल जरूर करते हैं, उसको यूज जरूर करते हैं। जो थर्ड अप्रोच है दैट इज फाइलोजेनेटिक सिस्टमैटिक्स,
और इसको क्लैडिस्टिक भी कहते हैं। इसका बेसिक गोल क्या है या एवोल्यूशनरी सिस्टमैटिक से ये कैसे वेरी कर रही होती है? द गोल ऑफ क्लैडिस्टिक इज सिमिलर टू दैट डिस्क्राइब फॉर एवोल्यूशनरी सिस्टमैटिक्स, द जनरेशन ऑफ हाइपोथेसिस ऑफ जेनोलॉजिकल रिलेशनशिप्स अमंग मोनोफिलेटिक ग्रुप्स। जेनोलॉजिकल का मतलब क्या होता है? रिलेटिंग टू द स्टडी ऑफ ट्रेसिंग, स्टडी और ट्रेसिंग ऑफ लाइंस ऑफ फैमिली डिसेंट, कि किसी फैमिली की लाइंस जो है वो किस तरह से डिसेंड कर रही है, इसे जेनोलॉजिकल बोलते हैं। मोनोफिलेटिक ग्रुप में सिमिलैरिटीज ही फाइंड आउट करनी होती है इन्होंने भी, बट हाउ डू दे वेरी फ्रॉम एवोल्यूशनरी सिस्टमैटिक्स? क्लैडिस्टिक्स कंटेंड हाउएवर दैट देयर मेथड्स आर मोर ओपन टू एनालिसिस एंड टेस्टिंग, इनको मोर ओपनली एनालाइज किया जा सकता है, टेस्ट किया जा सकता है देन एवोल्यूशनरी सिस्टमैटिक्स। क्लैडिस्टिक डिफ्रेंशिएट बिटवीन होमोलॉजीज एंड एनालॉजीज एज एवोल्यूशनरी सिस्टमैटिक्स, दे बिलीव हाउएवर, लेकिन इनका फर्क क्या है, दैट होमोलॉजीज ऑफ रिसेंट ओरिजिन, इंसेस्ट्रल या पास्ट लाइफ में सिमिलैरिटीज देखने की बजाय जो रिसेंट ओरिजिन की हैं वो फाइलोजेनेटिक स्टडीज के लिए ज्यादा बेनिफिशियल है, ज्यादा सुटेबल होती है, जबकि फाइलोजेनेटिक सिस्टमैटिक्स या क्लैडिस्टिक्स में दो बेसिक फीचर्स यूज किए जाते हैं ज्यादा कॉमनली, एक है साइनेपोमॉर्फीज और दूसरा सिंप्लेसियोमॉर्फी। अनदर इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन विच हैज बीन रिपीटेड मल्टीपल टाइम्स इन द पास्ट पेपर्स, इसको अच्छे से आप लोगों ने देखना है भाई, साइनेपोमॉर्फी और सिंप्लेसियोमॉर्फीज ये कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं। साइनेपोमॉर्फी हम बोलते हैं एक ऐसा कैरेक्टर दैट इज प्रेजेंट इन एन एंसेस्ट्रल स्पीशी एंड शेयर्ड एक्सक्लूसिवली इन मोर और लेस मॉडिफाइड फॉर्म। शेयर्ड कैरेक्टर्स, इनको हमारी बुक लिख रही है साइनेपोमॉर्फी को शेयर्ड कैरेक्टर्स, जबकि सिंप्लेसियोमॉर्फी क्या है, एंसेस्ट्रल कैरेक्टर शेयर्ड बाय टू और मोर टैक्सा। एक हमारे पास डिराइव्ड कैरेक्टर्स कहलाते हैं, सॉरी ये जो साइनेपोमॉर्फी है ये डिराइव्ड कैरेक्टर्स कहलाते हैं, जबकि सिंप्लेसियोमॉर्फीज को हम बोलते हैं शेयर्ड कैरेक्टर्स। किसी सिमिलैरिटी की वजह से जो डिराइव्ड कैरेक्टर होते हैं और शेयर्ड कैरेक्टर्स होते हैं, द कैरेक्टर इज शेयर्ड बाय द मोस्ट रीसेंट कॉमन एंसेस्टर, जबकि सिंप्लेसियोमॉर्फी में क्या होता है, द कैरेक्टर इज शेयर्ड बाय अर्लीस्ट कॉमन एंसेस्टर, जो शुरू से ही शेयर्ड कैरेक्टर होगा उसे हम सिंप्लेसियोमॉर्फी या बेसिक शेयर्ड कैरेक्टर बोलेंगे, और जो किसी आउट ग्रुप में किसी डिफरेंट ग्रुप में डिराइव्ड होगा, बाद में डेवलप हुआ होगा, उसको हम बोलेंगे वो है साइनेपोमॉर्फी और डिराइव्ड कैरेक्टर। फॉर एग्जांपल, द प्रेजेंस ऑफ द सेम नंबर ऑफ वर्टिब्रे इन द नेक्स ऑफ मैमल्स एंड जिराफ, के नंबर ऑफ वर्टिब्रे मैमल्स के अंदर 7 है सर्विकल वर्टिब्रे, ये इनका डिराइव्ड कैरेक्टर है जो कि तमाम कॉर्डेट्स या तमाम वर्टिब्रेट्स में प्रेजेंट नहीं है। वर्टिब्रेट्स में वर्टिब्रल कॉलम के अंदर जो सर्विकल वर्टिब्रे है, सर्विकल रीजन, उसमें वेरी कर सकता है, लेकिन मैमल का एक शेयर्ड कैरेक्टर है जो इनको बाकी ग्रुप से डिराइव बना रहा है या डिफरेंट बना रहा है कि इनमें एक सर्विकल वर्टिब्रे में नंबर क्या है। द प्रेजेंस ऑफ वर्टिब्रल कॉलम, तमाम वर्टिब्रेट्स के अंदर वर्टिब्रल कॉलम है, मैमल्स में भी है, सभी वर्टिब्रेट्स में भी है, वर्टिब्रल कॉलम का प्रेजेंट होना एक शेयर्ड कैरेक्टर है, दैट इज अ सिंप्लेसियोमॉर्फी। लेकिन वर्टिब्रल कॉलम में स्पेसिफिक नंबर ऑफ वर्टिब्रे का आ जाना, ये मैमल्स के अंदर जैसे हम कह रहे हैं सर्विकल वर्टिब्रे कितने हैं 7, ये एक स्पेसिफिक करेक्टर है जो सिर्फ मैमल्स के ग्रुप में डेवलप हुआ है आउट ऑफ ऑल वर्टिब्रेट ग्रुप्स, इसे हम बोलते हैं साइनेपोमॉर्फी और डिराइव्ड करेक्टर। इसमें हम फर्दर बात कर लेते हैं इस एग्जाम्पल के थ्रू, बाकी टर्म्स भी यूज होती हैं लेकिन हम बेसिक अपनी टर्मिनोलॉजीज पे फोकस करेंगे शेयर्ड कैरेक्टर्स और डिराइव कैरेक्टर्स पे। जो शेयर्ड प्रिमिटिव कैरेक्टर है, चलिए अब इस पे बात कर लेते हैं, तमाम मैमल्स में हम कहते हैं हेयर होते हैं, ये उनका शेयर्ड कैरेक्टर है, लेकिन क्या तमाम मैमल्स में पाउच भी होती है? नो, पाउच तो कैंगरू ने डिवेलप किए, डिराइव किए। या क्या तमाम मैमल्स में फ्लाइट भी है? नो, फ्लाइट तो सिर्फ बैट में डिवेलप हुई है। तो जो किसी स्पेसिफिक ग्रुप, आप कह लें ग्रुप में डेवलप हो जाता है करेक्टर, उसे हम डिराइव्ड करेक्टर कह सकते हैं। साइनेपोमॉर्फी, प्लेसेंटल बर्थ, प्लेसेंटा का डेवलप होना तमाम मैमल्स का फीचर नहीं है, आप लोग जानते हैं प्रोटोथीरिया, मेटाथीरिया, यूथीरिया, 3 ग्रुप्स हैं मैमल्स के। प्रोटोथीरिया एग लेइंग मैमल्स थे, मेटाथीरिया पाउस्ड मैमल्स हैं सच एज कैंगरू,
और प्लेसेंटल मैमल्स, प्लेसेंटा का डिवेलप होना या फिर पाउच का डिवेलप हो जाना, ये मैमल्स के अंदर डिराइव्ड कैरेक्टर आएगा और डिराइव्ड कैरेक्टर को हमने नाम दिया सिनेपोमॉर्फी। फिर डिराइव्ड कैरेक्टर में भी फर्दर अगर कोई किसी एक टैक्सॉन के अंदर कोई डिराइव हो जाता तो उसे एपोमॉर्फी कहते हैं, लेकिन हमारी बुक में एपोमॉर्फी और प्लिसियोमॉर्फी ये टर्म यूज नहीं हुई, वो बेसिक मोस्ट बेस पे चले जाते हैं। लेकिन हमारी बुक में दो कैरेक्टर यूज हो रहे हैं। किसी ग्रुप में सारे जो शेयर्ड करेक्टर्स होंगे, कॉमन करेक्टर, उसे हम बोलेंगे शेयर्ड प्रिमिटिव करेक्टर और सिंप्लेसियोमॉर्फी। और अगर कोई स्पेसिफिक करेक्टर किसी ग्रुप के अंदर डेवलप हुआ है, इवॉल्व हुआ है, तो उसे हम बोलेंगे सिनेपोमॉर्फी। आई होप सो कि क्लियर होगा। रेप्टाइल्स के हवाले से हमारी बुक में एग्जाम्पल मैंशन है कि रेप्टाइल्स में टर्टल्स ने शेल डिवेलप किया है, वो उनका डिराइव करेक्टर है, सिनेपोमॉर्फी है। लेकिन रेप्टाइल का कॉमन फीचर क्या है, दैट ऑल रेप्टाइल्स दे हैव डेवलप्ड एमनियोट और ऑल रेप्टाइल्स दे आर एग लेइंग। इस तरह से उनके जो फीचर्स हैं जो कॉमनली किसी ग्रुप में शेयर्ड होंगे और जो डिराइव्ड होंगे उनको हम डिफ्रेंशिएट कर रहे होते हैं। इसी की फर्दर इंटरप्रिटेशन में उन्होंने ये मेंशन किया, द हाइपोथेटिकल लाइनेज जो हम बना रहे होते हैं किसी भी आप कह लें कि सिस्टमैटिक्स के ग्रुप्स में, उस हाइपोथेटिकल लाइनेज को हम बोलते हैं क्लेडोग्राम। जैसे कि आपके सामने ये हाइपोथेटिकल लाइनेज शोन है जिसे हम क्लेडोग्राम का नाम दे सकते हैं या क्लेडोग्राम कह सकते हैं। इस क्लेडोग्राम को अगर आप देखें तो हाइपोथेटिकल क्लेडोग्राम शोज 5 taxa, 1 to 5। इसमें 5 taxa जो है वो बताए गए हैं और उनके लिए जो करेक्टर्स उन्होंने हाइपोथेटिकल यूज किए हैं वो A to H। अब इसमें करेक्टर ए जो है, अब मुझे बता सकते हैं आप लोग कि ये क्या सिंप्लेसियोमॉर्फी है या सिनेपोमॉर्फी है? एनीवन, यू कैन रेज योर हैंड। अगर हम करेक्टर ए सपोज कर रहे हैं तो ये सिनेपोमॉर्फी काउंट होगा या सिंप्लेसियोमॉर्फी? जी बच्चों हैंड रेज कीजिए, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं। अभी आपने सिनेपोमॉर्फी और सिंप्लेसियोमॉर्फी में डिफरेंस पढ़ा ना। जी जुल्कर नैन बेटा क्या कहना चाहेंगे, करेक्टर ए क्या है भाई? ये सिंप्लेसियोमॉर्फी है सर। एग्जैक्टली, करेक्टर ए सिंप्लेसियोमॉर्फी। और तैयब जब्बार, तैयब बेटा आप बताइए करेक्टर डी क्या है नंबर 3 के लिए, या करेक्टर डी की बजाय करेक्टर ई कह दें या एफ कह दें, ये क्या है? ई या ई या एफ, ये सिंप्लेसियोमॉर्फी है या सिनेपोमॉर्फी? एंसेस्टर में ये खाली कहते हैं, क्या कहते हैं, सिनेपोमॉर्फी। It's a synapomorphic characters. अगर कोई करेक्टर किसी ग्रुप के अंदर स्पेसिफिकली प्रेजेंट है तो उसे हम बोलेंगे वो करेक्टर है हमारे पास synapomorphic character E, for example, यहाँ पे कह लें या करेक्टर G कह लें, ये 2 के लिए synapomorphy है। लेकिन जो बेसिक करेक्टर है, शेयर्ड करेक्टर है सभी का, वो करेक्टर A है। फिर हम 3 और 4 दोनों ग्रुप्स की अगर बात कर रहे हैं, इसमें करेक्टर D इनका शेयर्ड है लेकिन E और F इनके स्पेसिफिक करेक्टर्स हैं। जो स्पेसिफिक करेक्टर्स होते हैं जो किसी आउट ग्रुप में डेवलप होते हैं सर्टेन टाइम पे, दे आर रेफर्ड एज, दे आर नेम्ड एज डिराइव्ड करेक्टर्स, और जो शेयर्ड होंगे किसी भी ग्रुप के अंदर वो कहलाएंगे हमारे पास सिंप्लेसियोमॉर्फी। और ये क्लेडोग्राम्स इनका डेटा ओल्डर डेटा के साथ जो है वो कंबाइन करके उसको क्लेडिस्टिक्स में, फाइलोजेनेटिक्स को इसीलिए क्लेडिस्टिक कहते हैं क्योंकि इसमें क्लेडोग्राम या इस तरह का फाइलोजेनेटिक ट्रीज जो है वो डेवलप किए जाते हैं। ये भी आपके पास आपकी बुक से एक डायग्राम है जिसमें एक्चुअल क्लेडोग्राम शोन है। इसमें भी हम सिंप्लेसियोमॉर्फी या सिनेपोमॉर्फी पे बात कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये मैमल्स के हवाले से अगर मेंशनड है तो मैमल्स में हेयर का प्रेजेंट, हेयर मेमोरी ग्लैंड का प्रेजेंट होना या एंडोथर्मी का प्रेजेंट होना, ये इनका शेयर्ड करेक्टर है। फिर आगे जो अपर साइड पे ग्रुप्स गिवन है, इन्होंने इसमें ये स्पेसिफिक करेक्टर्स डेवलप किए विद द पैसेज ऑफ टाइम। According to the cladistic interpretation, ये भी एक example book में बड़ी important mentioned है कि birds and crocodiles should be assigned to a group that reflects this close common ancestry. जो traditional approach है वो birds को अलग से classify करती है कि birds का group अलग होना चाहिए, reptiles से different होना चाहिए। लेकिन cladistics कहते हैं कि अगर cladistic way में हम इसको characters की base पे, simplicio synapomorphy की base पे classify करें तो birds would become a subgroup इन द रेप्टाइल्स। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बर्ड्स जो है वो रेप्टाइल्स के अंदर एक सब ग्रुप के तौर पे क्लासिफाई होंगे।
जबकि ट्रेडिशनल अप्रोच में बर्ड्स को एक सेपरेट ग्रुप के तौर पे क्लासिफाई किया जाता है। यहाँ पे ये नेक्स्ट डायग्राम में भी हम इसको देख लेते हैं इसी बात को। जस्ट वेट बेटा, ये हमारे पास ट्रेडिशनल अप्रोच में मैमल्स, टर्टल्स, मैमल्स को अलग से क्लासिफाई किया जाता है फ्रॉम स्टेम रेप्टाइल जो कोटाइलोसॉर से डेवलप हुए, जबकि क्लास एविस जो बर्ड्स हैं ये भी सेपरेटली इनको क्लासिफाई किया जाता है। डायनासोर्स, क्रोकोडाइल, स्नेक्स एंड लिजर्ड एंड टर्टल्स दे आर क्लासिफाइड एज क्लास रेप्टिलिया। जबकि क्लैडिस्टिक एनालिसिस ये क्या बताता है, दैट जो शेयर्ड कैरेक्टर्स सिम्प्लेसियोसाइनेकोमॉर्फी की बेस पे है कि जो बर्ड्स हैं इनको डायनासोर्स के ग्रुप के साथ आर्कोसॉर्स में जो है वो रखा जाना चाहिए और रेप्टाइल्स के अंदर एक सब ग्रुप होना चाहिए बर्ड्स का। मैमल्स तो चले उनके कैरेक्टर्स वेरी कर गए, डिफ्रेंशिएट कर गए, बट बर्ड्स दे शुड बी क्लासिफाइड एज अ सब ग्रुप ऑफ रेप्टाइल्स। अब इसमें ये जो हमारे पास बेसिक अप्रोचेज हैं तीनों, इसमें कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं, लाइक कुछ इश्यूज भी हैं। वो इश्यूज क्या हैं? Although evolutionary tree diagrams help to clarify evolutionary relationship and timeless, they are often source of misunderstanding. अब मिसअंडरस्टैंडिंग क्या क्या हो सकती है इस तरह की ट्री डायग्राम में या क्लेडोग्राम्स में? एक तो इनको देख के ऐसे लग रहा होता है कि जैसे एक्सपेंशन हो रही है बस, ये स्पीशीज हैं हमेशा इंक्रीज कर रही हैं। और दूसरा ये शुरू में जो उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि इसमें हम अक्सर रेप्टाइल, बर्ड्स, मैमल्स उनके एवोल्यूशन की बात कर रहे होंगे कि एवोल्यूशन जैसे इस हायर ग्रुप के लेवल पे होता है। यहाँ पे वो मेंशन कर रहे हैं कि जो एवोल्यूशन हो रहा होता है ये स्पीशी के लेवल पे होता है, किसी खास स्पीशी, किसी पॉपुलेशन, स्पीशी ग्रुप या पॉपुलेशन के लेवल पे हो रहा होगा। इतने बड़े ग्रुप के लेवल पे हम इंडिकेशन तो दे सकते हैं कि रेप्टाइल्स या बर्ड्स या मैमल्स कौन से ग्रुप से डेवलप हो रहे हैं, लेकिन उसमें जो स्पेसिफिक स्पीशीज हैं या स्पेसिफिक जो पॉपुलेशंस हैं उनको हम शो नहीं कर पा रहे होते कि किस तरह से उनमें एवोल्यूशन हो रहा है। ऑल्सो इवन दो फाइला और क्लासेस आर डिपिक्टेड एज इंसेस्ट्रल, ये सेकंड इशू वो डिस्कस कर रहे हैं, इंसेस्ट्रल फाइला हैव हैड जस्ट एज लॉन्ग एन एवोल्यूशनरी हिस्ट्री एज एनिमल्स इन अदर टैक्सोनॉमिक ग्रुप्स डिसेंडेंट फ्रॉम द कॉमन एंसेस्टर। इसमें जो ओल्डर कैरेक्टर्स हैं, इंसेस्ट्रल कैरेक्टर्स, उनको जो है वो फोकस किया जाता है। मॉडर्न रिप्रेजेंटेटिव एनिमल्स, जो मॉडर्न रिप्रेजेंटेटिव है किसी भी ग्रुप के, उनको विजुलाइज किया जाना चाहिए। जो रिसेंट डाइवर्सिटी है, जो टिप्स पे ग्रुप्स मौजूद हैं, उनको फोकस किया जाना चाहिए और उनको फोकस करने के बाद क्लासिफिकेशन होनी चाहिए। जो जूलॉजिस्ट है मॉडर्न रिप्रेजेंटेटिव के, दे यूज मॉडर्न रिप्रेजेंटेटिव to help visualize general characteristic of animals और फिर उस बेस पे क्लासीफाई करते हैं। फिर इसमें ये जो हम बात कर रहे थे शुरू में कि इसमें increasing ladder like progression नजर आती है कि जैसे evolution हमेशा expansion ही करता है, diversity ही करता है, लेकिन recently ये बात clear की गई है कि ऐसा नहीं है। एक term ये देखिए ना आप, इसमें tree diagram जो आपके सामने बनी हुई है, ancestral से descendant की तरफ आते हुए ऐसे लग रहा है जैसे बस expansion ही हो रही है, ऑर्गेनिज्म ज्यादा से ज्यादा होते जा रहे हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं, पर एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। एक्चुअल में बहुत से एवोल्यूशनरी इवेंट्स ऐसे होते हैं कि स्पीशीज का लॉस भी होगा, स्पीशीज एक्सटिंक्शंस भी होंगी। फॉर एग्जांपल फॉसिल रिकॉर्ड शोज के जो एकाइनोडर्म्स हैं उनके 20-30 ग्रुप्स थे पास्ट में, और रिसेंट टाइम्स में उनके जस्ट 4-5 ग्रुप्स रह गए। इसका मतलब है इस तरह से हमेशा एक्सपेंशन नहीं होती, बाज़ुकात एक्सटिंक्शन या कुछ स्पीशीज जो है वो खत्म भी हो जाती हैं, एक्सटिंक्ट भी हो जाती हैं। इसके लिए अभी रिसेंट टाइम में जो पैलेंटोलॉजिस्ट है उसके एक हवाला दिया गया, स्टीफन जे गोल्स, उसने एक टर्म यूज किया है कॉन्टिनजेंसी। व्हाट डज इट मीन? इट रेफर्स टू द रैपिड एवोल्यूशनरी एक्सप्लोजन फॉलोड बाय हाई लाइक्लीहुड ऑफ एक्सटिंक्शन। इन स्पाइट ऑफ दिस प्रॉब्लम टी डायग्राम्स, मतलब ये ठीक है ये सारी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन इसके बावजूद ये एक टेक्स्ट की फॉर्म में नॉलेज प्रोवाइड करती हैं और हेल्पफुल होती हैं। दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। अगर कोई क्यूरीज या क्वेश्चन है तो प्लीज वन बाय वन पूछिए।